लेकिन अभी जो निर्जला एकादशी आई तो मैं सोचा चलो रखते हैं रख लिया तो रख लिया नहीं तो फिर दोपहर को दूध पी लेंगे शाम को कुछ पी लेंगे या तो रात को देखते हैं मैं शरीर को ज़्यादा सताने में नहीं मानता हूँ लेकिन आराम से निर्जला एकादशी हो गई मैंने एक घूंट भी पानी नहीं पिया एक घूंट भी दूध नहीं पिया आराम से निर्जला एकादशी हुई तो बच्चों पे तो मैं बड़ा राजी रहता था कि ये कैसे करते होंगे लेकिन एकादशी का ऐसा महत्व है कि उस दिन भूख प्यास सब शांत हो जाते और दूसरे दिन महाराज तबीयत भी अच्छी रहती विशेष निर्जला एकादशी हजार एकादशी करने का फल देती वो फल मिलो ना मिलो भगवान के पास ही रहो तबीयत तो अच्छी होती मन बुद्धि सब बढ़िया हो जाता है फिर सब भी आश्रम के बच्चे बच्चियों को पंचगव्य पान करवा दिया बारस को कल को किया था ना पंचकव्य पानी ऐसी बाप आपने आश्रम की गाय जैसी दूसरी जगह गाय भी नहीं है काली गाय ज्यादा है अपने पास काली गाय